Hey, welcome to my YouTube channel. This is Tilly's blog from Arunachal Pradesh. This is the continued blog from my last Meghalaya trip. So in my last Meghalaya blog, we ended up here in Lightloom viewpoint. So let's continue from here. So after this, हम लोग जा रहा है Dauki River to enjoy and experience the heavenly beauty of nature. Also, it is considered as the cleanest river in the country. It is one of the most picture perfect spot you will find in Meghalaya. और अब हम लोग का नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है करुणसुरी वाटरफॉल, जो कि बहुत पॉपुलर है. इट सेज इट इज़ द मोस्ट मैजिकल वाटरफॉल यू कैन ले योर आइज ऑन. और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको स्विमिंग एंड बोटिंग का भी एक्टिविटी मिलेगा. बट अभी क्या है कि ना, हम लोग विंटर में आया है तो वाटर का क्वान्टिटी थोड़ा सा कम है. बट अगर आप समर में आओगे तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा. इवन दिस इज़ नॉट बैड, बहुत ही सुंदर था ये वाटरफॉल भी. अगर ठंडा नहीं होता ना, डेफिनेटली हम भी यहाँ स्विमिंग करता. सो आफ्टर करुणसुरी हम लोग रूम गया था. रूम में जाके रेस्ट किया. रेस्ट करने के बाद इवनिंग को ये चर्च में आया, जो कि यहाँ कुछ इतना देखने को नहीं था. तो हम लोग फिर वापस रूम गया एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे. और ये नेक्स्ट डे में हम लोग जा रहा था ईटानगर की ओर, और मैं जा रही थी दूसरा डिस्ट्रिक्ट, और हम लोग, मेरा जो दूसरा फैमिली मेम्बर से, वो लोग ईटानगर जा रहा था. और हम लोग आया है बिफोर लिविंग फॉर ईटानगर, हम लोग ये एलिफेंट वाटरफॉल में आया है. ये भी एक वाटरफॉल है जो कि बहुत सुंदर है देखने के लिए. तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ भी. और ना, यहाँ में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा, वो है कि यहाँ में आप आने से वो मेन, जो मेन एंट्रेंस गेट है ना, वहाँ में आपको मिलेगा खासी ड्रेस का साथ में फ़ोटो खिंचवाने का जगह मिलेगा. और वो खासी ड्रेस जो है पर पर्सन का 200 देता है, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, दोनों का पर पर्सन 200. और आप इसको पहन के यही ऊपर में ही फ़ोटो खींच सकते हैं, आप इसको पहन के नीचे कहीं भी नहीं जा सकते. एक छोटा सा स्पॉट है साइड में, तो यही में आपको फ़ोटो क्लिक करना है. Thank you.
तो उसके बाद लास्ट स्पॉट के बाद हम लोग जा रहा है अरुणाचल की ओर। तो अरुणाचल पॉइंट से पहले ये हुआ है कि हमको जाना था दूसरा डिस्ट्रिक्ट और ये लोग को जाना था ईटानगर। तो गुवाहाटी में खानपारा में हम लोग सब लोग अलग अलग हो गया था, क्योंकि हम गुवाहाटी से बस लेके हम डायरेक्ट हमको जो डिस्ट्रिक्ट जाना था वो डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल गया और वो लोग अपना गाड़ी से ईटानगर की ओर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू फ्रॉम नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।